केंद्र सरकार सबसे ज्यादा टैक्स लगाई है, क्योंकि यही बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो बच्चा वोट बैंक नहीं रहेंगे देश का। सिर्फ धर्म के नाम पर देश को बरगलाना है और अपना तानाशाही तानाशाही। 5 लाख के बीमा से कितने गरीब का जान बच गया? कभी कांग्रेस किया है? चुप रहिए, एक मिनट। चाची बोले था, अरे रुका रुका, बोले था राहुल गांधी जिंदाबाद। बोरिंग के नाम पे केवल चोरी और चोरी हुआ है, हर साल लिखता। अच्छा, एक लापता सांसद वर्सेस एक युवा प्रत्याशी जो कि LLB LLM वो पूरी तरह शिक्षित है। लाल का किसे? 13 मई को झारखंड में पहले चरण की मतदान होनी है। वही झारखंड में जितने भी लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार है वो अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। जो उम्मीदवार है वो लोगों के घर जाकर उन्हें मुद्दे याद दिला रहे हैं, उन्हें मुद्दे बता रहे हैं कि अगर वो जीत हासिल करेंगे तो इन इन मुद्दों पे वो काम करेंगे। तो हम अपने इस बार किस-किस सरकार के मुहिम पे लोगों के बीच पहुंचे हुए हैं, इसी तौर पर इनसे जानेंगे आखिरकार क्या विकास चाहिए उन्हें इस बार और किन मुद्दों को लेकर वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और ये 2024 लोकसभा चुनाव में इनका सबसे प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा। तो ऐसे में आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ लोग हैं, सीधे तौर पर इनसे जोड़ने की कोशिश करेंगे और आखिरकार इनसे ही सवाल जवाब करेंगे कि आखिरकार जो इनसे जो प्रत्याशी इनके पास आ रहे हैं, जो उम्मीदवार इनके पास आ रहे हैं, उनसे ये कितने संतुष्ट हैं, उनके मुद्दे से ये कितने प्रभावित हो रहे हैं। और हालांकि जिस तरीके से BJP ने अभी तक 10 साल तक उन्होंने देश में राज किया है और BJP की इस 10 साल के राज में आखिरकार जनता कितनी खुश है, जनता को कितनी संतुष्टि है, हम इनसे ही सारे सवालों का जवाब चाहेंगे। ये बताइए कि लोकसभा चुनाव है तो ऐसे में क्या आपके यहाँ उम्मीदवार और प्रत्याशी आ रहे हैं? हाँ, अभी तो मेरी जो प्रत्याशी है यशस्वनी साहिब अभी तक आई नहीं है यहाँ पर। और जहाँ तक रांची में जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं लोकसभा चुनाव के, वो आपके पास आ रहे हैं, आपके मोहल्ले में आ रहे हैं? देखिए, 5 साल पहले जो सांसद रहे, पहले सुन लीजिए ये बोल रहे हैं, सुन लीजिए, 5 साल पहले जो सांसद रहे वो लापता सांसद है। एक बार भी दुख और दर्द पूछने के लिए कभी भी नहीं आए हुए हैं क्षेत्र में। उनसे पूछ लीजिए कितना लापता, वो बताएंगे। सांसद जी आते हैं या क्षेत्र में नहीं आते हैं, जो भी काम हुआ है, जितना देख रहे हैं, बोरिंग है, पानी है, जो भी है यहाँ BJP कुछ देर हुआ है। उन्होंने ही बताया कि इस एरिया में पानी की समस्या है, पानी की समस्या है लेकिन सप्लाई नहीं है। लेकिन हर गली, कोई ऐसा गली में जाके देखिए कि वहाँ पे पानी नहीं है। किसका पानी दिया हुआ? यहाँ का खुद पार्षद तो BJP का है। हर गली में दो दो बोरिंग है, निगम के थ्रू हुआ हुआ। इन लोग का क्षेत्र में भी पूछिए, अगर जब बोरिंग नहीं होगा तो मैं चल के दिखलाऊंगा, प्रत्याशी है, अगर नहीं होगा तो बोलेंगे जो मानेंगे। के नाम पे 1 साल में 41 बोरिंग, समझ रहे हैं? एक मिनट जवाब। बोरिंग के नाम पे 41 बोरिंग, बोरिंग के नाम पे 41 बोरिंग, ठीक है? और जगह जगह मतलब बोरिंग केवल पैसा गुवाही के नाम पे किया जा रहा है। पिछले मैनिफेस्टो में वर्तमान पार्षद जो BJP के, एक मिनट, पिछले मैनिफेस्टो में BJP पार्षद बोले थे कि जहाँ जहाँ डेढ़ चापानल है वहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग काम किया जाएगा। इस वार्ड, पूरे वार्ड में एक जगह भी एक वाटर हार्वेस्टिंग नहीं किया गया। लेकिन केवल उनका हम लोग लिख के भी दिए थे। और दूसरा बात, एक लापता सांसद वर्सेस एक युवा प्रत्याशी जो कि LLB LLM वो पूरी तरह शिक्षित है। आज तक माननीय सांसद संजय सेठ एक भी जन समस्या को लेकर 5 साल में कभी नहीं आए किशोर प्रखंड में, कभी नहीं। आप सर्वे कर लीजिए, पूछिए कि सांसद जी आए हैं एक बार भी कोई जन समस्या को लेके? ये लापता सांसद बता रहे हैं, क्या कहेंगे उसको? पता सांसद है तो पब्लिक बताएगी, हम महिला बताएंगे कि लापता? अभी तो पब्लिक ही, हाँ हम भी पब्लिक है तो और लोग भी बताएंगे ना। हाँ ठीक है, तो आप तो भाजपा के खुद है, खुद आते हैं। संजय सेठ का परसों दिन कुछ कार्यक्रम हुआ है, अब इनके घर में नहीं गए होंगे, हो सकता है, हम मान रहे हैं इनके घर में नहीं गए होंगे, लेकिन पब्लिक में तो आते हैं। हाँ, अब देखिए पब्लिक से पूछिए, बोरिंग के नाम पे केवल चोरी और चोरी हुआ है, हर साल लिखता है। अच्छा, बोरिंग में ये चाची पानी पी रही है, पूछिए कितना चोरी हुआ? चाची सबके घर का बोरिंग चला गया, सरकारी बोरिंग के नाम पे सबका घर का बोरिंग चला गया। एक बोरिंग कीजिए, 10 घर का पानी चला गया। बोरिंग भी है, क्या मुद्दा है? आप सांसद को लापता बता रहे हैं, अगर जी ये बोल रहे हैं तो खुद पार्षद के द्वारा भेजा हुआ पानी लेते होंगे, नहीं लेते होंगे तो जो बोलेंगे मान जाएंगे। पानी नहीं ले रहे हैं, पूछिए इनसे, एकदम आम पब्लिक है, पूछिए। सब ले रहे हैं,
मेरा आप बोल रहे हैं 41 अगर जब बोरिंग हुआ है तो क्यों हुआ? पब्लिक के डिमांड पे हुआ, पब्लिक की समस्या। आज वाटर हार्वेस्टिंग आज तक लोगों को बोला गया, रांची के खुद विधायक, रांची के विधायक श्री सीपी सिंह जी ने खुद बोले कि वाटर हार्वेस्टिंग जहां भी करना है एक आवेदन दिया जाए, लेकिन आज तक एक भी आवेदन पब्लिक नहीं दिया हुआ। इसके विषय में हम लोग कल ही बात किए हैं कि जो जो अभी डेट चापाकल है उसका आवेदन बनाया जाए, और आज मैंने खुद एक आवेदन बनाया हूँ। तो पानी का मुद्दा हो गया, और क्या, और क्या मुद्दा है का मुद्दा? इसके अलावा मैम आज से पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ बहुत अच्छा है कि हमारे पार्षद बहुत कुछ किए हुए हैं, सच्चाई है, ऐसा पानी नहीं मिलेगा। ठीक है, एक पानी का मुद्दा हो गया, और साथ ही क्या क्या होता है? सुनिए सुनिए ना, अरे सुनिए, शिक्षा पर केंद्र सरकार सबसे ज्यादा टैक्स लगाई है, क्योंकि यही बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो बच्चा वोट बैंक नहीं रहेंगे देश का, सिर्फ सिर्फ धर्म के नाम पर देश को बरगलाना है, और अपना तानाशाही, तानाशाह देखे अभी आप, देश को बरगलाना है, सिर्फ देश को। शिक्षा पर 22% टैक्स लगा है, आप कह रहे हैं कि धर्म के नाम पे बरगलाया जा रहा है। 1947 का सबसे ज्यादा टैक्स शिक्षा पर लगा हुआ है, ये कह रहे हैं कि यह धर्म के नाम पे बरगलाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पे? कोई बरगलाया नहीं किया, पब्लिक खुश है, पब्लिक को राशन मिला, जनधन कार्ड मिला, आयुष्मान कार्ड मिला है, अच्छी से राशन मिल रहा है, लोग खुश है, लोग का कोई विकास, बड़ा बड़ा काम हो रहा है, बहुत खुश है लोग, कहीं को दो चार क्या क्या दाल दाल हो, बोल रहे राशन फ्री में मिला, दाल हो गया 165 रुपए किलो, गरीब लोग दाल नहीं खरीद पा रहा है, तेल हो गया 140 रुपया, समय तेल हो गया 140 रुपया, 65 रुपए किलो दाल है, और हर महीना 1 kg दाल फ्री मिल रहा, सो नहीं बोलेंगे कोई? सुनिए मैडम, यहाँ बड़ा बड़ा बिल्डिंग, बड़ा 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 3-3 तल्ला बिल्डिंग है, और लाल कार्ड बना के राशन लेने जाइएगा, और बोलिए महंगाई है। लाल कार्ड किसके द्वारा बनाया गया है? लाल कार्ड, लाल कार्ड किसके? कुछ नहीं होगा, ये लाल कार्ड, लाल कार्ड, लाल कार्ड, पीला कार्ड किसके द्वारा बनाया गया? वर्तमान पार्षद के द्वारा, लाल कार्ड बना दिया गया, कौन नहीं उठा रहा, कौन नहीं उठा रहा? जिसका 3 तल्ला बिल्डिंग है, ये जो बोल रहा है ना सारा सभी गलत है। हम लोग यहाँ का है रहने वाला, आज 40 साल हो गया, एकदम जो भी यहाँ हुआ ना एकदम सब सही हुआ है, खुलियाम है चाची। लेकिन आप बोल रहे हैं कि सही हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई तो काफी बढ़ गया है ना चाची? महंगाई तो देखे सब ठीक खोजेगा, फिल्म में तो नहीं होगा, कांग्रेस का काम क्यों नहीं कराया सरकार उसकी? कांग्रेस था, चुप रहिए, एक मिनट, जब कांग्रेस था तो आज तक आयुष्मान का भी बना था, अभी 25 लाख का इधर रहा है, एकदम सारा सभी गलत है। उसका कांग्रेस का 5 साल के 5 लाख का दे रहा है ना मोदी सरकार बीमा, आप कभी मिला है? कभी नहीं हुआ, समझे? आपको अच्छा रुकिए तो चाची, चाची बोले था, अरे रुका रुका, बोले था, बोले था, सुनिए ये कांग्रेस ठीक है, आपको अगर पता करना है हर घर में जाकर पूछ लीजिए, बोलिए लोग साइड हटेगा, पब्लिक क्या बोलेगा आपको खुद पता चल जाएगा। पब्लिक आप क्या बोल? मैम हम बोल रहे हैं यहाँ काम हुआ है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, हम बात कर रहे हैं जो अगर देखा जाए तो झारखंड या फिर देश के जो युवा है वो बेरोजगार हो रहे हैं, उनके पास रोजगार नहीं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? मैम रोजगार बेरोजगार का बात नहीं, यहाँ पर मैं सबसे बड़ा, आप भी से 10 साल पहले पीछे चल जाइए ठीक है, कांग्रेस का टाइम में क्या चीज था? कांग्रेस का टाइम में आपको पता है क्या चीज था? पानी से लेकर पढ़ाई तक में ठीक है, अभी चोरी चमारी में 70 साल कांग्रेस राज की ना, एक मिनट 70 साल कांग्रेस राज की, तो कितना युवाओं को रोजगार मिला है?
इतना कितना युवाओं को रोजगार मिला हुआ है, उसके अलावा कुछ हुआ है? और जहाँ तक बात है डेवलपमेंट का, 2014 में, 2014 में हम लोग का कितना जीडीपी था, हम लोग का 10th नंबर पे, अभी पांचवा नंबर पे है। और कांग्रेस पार्टी ये बोल रहा है कि अब तीसरे नंबर पे लाएंगे चाहे दूसरे नंबर पे लाएंगे, भारतीय जनता पार्टी ये बोल रहा है कि हम दूसरे नंबर पे लाएंगे तीसरे नंबर पे लाएंगे। और जेएमएम का कांग्रेस से बात करते हैं, जेएमएम कांग्रेस हम जब से होश संभाल, आज मेरा 20 साल हो रहा है, आज मेरा 20 साल हो रहा है, हम आज तक इस मोहल्ले में आज तक कोई कांग्रेस चाहे जेएमएम का नेता को आते नहीं देखे हैं। सिर्फ चुनाव में आते होंगे लेकिन ऐसे नहीं आते। जिंदगी 5 लाख के बीमा से कितना गरीब का जान बच गया, कभी कांग्रेस किया है नहीं किया है? क्या बोलेगा अभी इलेक्शन है तो 25 लाख का दे रहा है, एकदम गलत, एकदम गलत। राहुल गांधी जिंदाबाद, सुनिए बोला जाता है महंगाई है, जिस समय 47 में देश आजाद हुआ था उस समय रचिन नेहरू वहाँ से जापान सिगार मंगाता था, उस समय महंगा नहीं दिखता था आदमी को। ये देख लीजिए मैडम, आपको वहाँ से यहाँ ला दिया, देख लीजिए वहाँ से यहाँ ला दिया, इसी तरह से देश को कहाँ से कहाँ लेके चला गया जीडीपी के मामला में। आज तक 3 बार वोटिंग किए हैं। आखिरकार क्यों आप लोग भाजपा को लाना चाहते हैं? देखिए क्या खूबी आपको लग रही है? देखिए मैम, भाजपा से अच्छा पार्टी और नरेंद्र मोदी से अच्छा प्रधानमंत्री देश को आज तक नहीं मिला। क्यों नहीं? अरे बता रहे हैं भैया, सुनिए एक मिनट, जी20 के बारे में कौन कौन जानता है यहाँ पे? G20 के बारे में जानते हैं आप? आज आप कितना आपका आप G20 के बारे में आज तक इंडिया को देखे थे यहाँ पे? G20 का मैं इंडिया को आज तक आप देखे थे नहीं देखे थे? UN के मीटिंग में देखे थे इंडिया को नहीं देखे थे? G7 में देखे थे इंडिया को नहीं देखे थे? भारतीय जनता पार्टी का जो वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी UN में जाकर अध्यक्षता की है, आज तक कौन प्रधानमंत्री किया है कोई? लेकिन क्या आप लोग के लिए रोजगार मुद्दा नहीं है क्या? एक मिनट, जो बोलता है बेरोजगार है ठीक है ना, बेरोजगार कौन है अभी? अधिकतर देखते होंगे किस तरीके से, सर मैम एक मिनट, आप लेकिन देख रहे होंगे किस तरीके से जेपीएससी की जो परीक्षा हुई थी, क्वेश्चन पत्र लीक हो जाता है लगातार, उस पे क्या कहेंगे आप? सुनिए आदि बोलते हैं बेरोजगार है ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन पत्र ही लीक हो जा रहा है मैम। जेपीएससी का क्वेश्चन क्या है, वहाँ केंद्र से सेट हो गया था कि झारखंड से सेट? झारखंड से ही होता है, लेकिन जिस तरीके से बिहार में भी हुआ है क्वेश्चन पत्र, उत्तर प्रदेश में भी हुआ है प्रश्न पत्र लीक, ये तो हर एक जगह होता है ना। बिहार में मैम कभी यहाँ पे बीजेपी की सरकार आया बताइए? RJD से कितना साल पहले गठबंधन हुआ भाजपा का ये बताइए? जेपीसी का नाम है। अरे भैया थोड़ा सा शांत रहिए ना धीर। क्या बोले, क्या बोली बोली? हाँ हम लोग मतभेद कीजिए। अच्छा क्या बोल रहे? बोली। देश को कितने साल हो गए आजादी के? लगभग आज हम लोग 77-75 बना रहे हैं ना। उस देश का प्रधानमंत्री क्या बोलता है 2029 में विराजन देंगे इस देश को एक गुलामी की तरफ करना है और कुछ? राम का विरोध कोई ना करता, मेरे अंदर सनातन है, राम के अंदर विरोध कभी ना कर सकते, मेरे अंदर सनातन है। अरे बोलिए ना भैया। लेकिन आप अभी थोड़ी देर पहले बोले ना कि धर्म के नाम पर देश को बांटा जा रहा है। बांटा जाता है मैडम, बांटा जाता है देश को, बीच में अलग अलग दिया गया हो, कोई ऐसा योजना जो हिंदू और मुस्लिमों के बीच अलग अलग दिया गया हो बताइए ऐसा? ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री भाजपा ने धर्म के नाम पे देश को बांटने का काम किया, उस पर आप क्या कहें? भाजपा ने देश को ऐसा कुछ नहीं बांटा है मैम, हम लोग को जो जरूरत है वो पूर्ति किया है। इतने साल से राम मंदिर नहीं बना था, अभी बना। लेकिन राम मंदिर कोई बड़ा मुद्दा तो नहीं ना, युवाओं को रोजगार तो नहीं मिलेगा ना उसके? मैम स्किल कितना, जो युवा आपसे बात कर रहा है वो युवा पूछे तो उसके पास कितना पढ़ा लिखा है, कितना इतना सर्टिफिकेट है उसके पास में? 5 लाख का जीवन बीमा दिया गया गरीब आदमी को इलाज करने के लिए, कौन सरकार पैसा दिया 5 लाख का जीवन? लेकिन राम मंदिर ठीक है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, कई सालों से जो भक्तों का जो आस था वो पूरा हुआ है, लेकिन युवाओं को रोजगार तो नहीं मिल गई है ना? लेकिन कई सारे ऐसे युवा है वो कह रहे हैं कि राम मंदिर पहले भी था, ऐसा नहीं है कि आज ही बेरोजगारी हुआ है, आज ही महंगाई बढ़ा है,
महंगाई के साथ साथ आपका, लेकिन इन सच्चाई भी तो है ना, इन 10 सालों में महंगाई काफी बढ़ गई है। हर घर में कार्ड दिया गया, हर घर के कार्ड में राशन उठाया जा रहा है, सब गरीब को राशन मिल रहा है। बताइए कांग्रेस सरकार में किसको ही मिला है? सुनिए, आजकल ना राम को ला गया, जो राम मेरा 14 वर्ष वनवास में भी रह गया उसको लाने का बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए ना, हाँ बोलिए ना, बोले लीजिए, सुनिए, राम का महल नहीं चाहिए था, बोल रहे बोले महल नहीं चाहिए। ये लोग बोलते कांग्रेस ही बोलते हैं कि देवी देवता हमारा काल्पनिक है, हमारा देवी देवी देवता वो काल्पनिक बोलते हैं। और एक बात बोलना चाहते हैं आपके न्यूज चैनल के द्वारा कि जो भी कांग्रेस पार्टी में जो भी शामिल है, जो भी कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं, वो सारे लोग काल्पनिक है, ठीक है। हमारा भारतीय जनता पार्टी आश्वासन देती है अगर इस झारखंड में फुल बहुमत के साथ सरकार बनेगी तो जो रामनवमी के टाइम में, जो बैसाखी के टाइम में जो हुड़दंग मचाती है, जो जिहादी लोग यहाँ पे गलत काम करते हैं उनको उल्टा लटका के 7 जन्म तक उनको सोचना पड़ेगा कि क्या काम करना है, गलत करना है कि नहीं करना। चलिए भैया इधर आइए, आप ये बोलते हैं किनके राम? सुनिए सुनिए, ये भाई अभी बोले कि राम तो बहुत पहले से आए थे, राम को लाने की जरूरत नहीं था, ठीक है ना। अब सरस्वती पूजा में सरस्वती माँ को लाते हैं, गणेश पूजा में गणेश भगवान को लाते हैं, दुर्गा गणेश पूजा में लाते हैं, दुर्गा पूजा माता दुर्गा को लाते हैं। सुनिए, और आप बोले कि कांग्रेस पार्टी भगवान राम को मानता, ठीक है ना। 2007 में सोनिया गांधी 27 वकील के साथ कपिल सिब्बल के साथ कोर्ट में हलफनामा दी थी कि राम काल्पनिक है, आप जवाब दीजिए आप इसका। 2007 में सोनिया गांधी 27 वकील और कपिल सिब्बल के साथ कोर्ट में हलफनामा दी कि राम काल्पनिक है, आप इसका जवाब दीजिए। ये देश का युवा है जिसको बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है, बेरोजगारी का मतलब है हम पढ़ाई कर रहे हैं, हर महीने का 1500 ट्यूशन पढ़ाई कमा रहे हैं। हमारे अनुसार जो नरेंद्र मोदी किए वो आज तक 70 बरस में कांग्रेस नहीं किया। हर सुविधा यहाँ उपलब्ध किए, पानी का सुविधा, बिजली का सुविधा, रोड का सुविधा, हर चीज़ जो है तो नरेंद्र मोदी किए दिए। और साथ में यहाँ का पार्षद जो है तो हम लोगों को बहुत कुछ किए। आज सुबोधकांत साई जी क्या किए अपने तो नहीं, उनका छवि खराब हो चुका है, अब उनके बेटे को उतार दिया गया है, ठीक है। अगर हम लोग भी यही सोचेंगे कि हम आज पार्टी में हैं और मेरा बेटा ही राजा बनेगा, मेरा बेटा ही विधायक बनेगा, तो बाकी कार्यकर्ता बाकी जनता कहाँ जाएगा फिर? और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि भारतीय जनता पार्टी किसी में भेदभाव नहीं करती है और सभी का मान सम्मान करती है, इससे अच्छी पार्टी कोई नहीं है। मेरा भी और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे बोलता है कि लाभ नहीं मिला, लाभ नहीं मिला, ठीक है ये बताइए, कोई कमी नहीं है, लेकिन सामने नहीं किसी को करना चाहते, बस हम राजा हैं तो मेरा बेटा राजा बनेगा, मेरी बेटी राजा, यही बात बोलना चाहती हूँ दीदी कि एक बात बताइए, आप लोग को सबसे ज्यादा जो प्रमुख मुद्दा है वो क्या प्रभावित कर रहा है, आप क्या चाहते हैं कि अगर सरकार आए तो इन मुद्दों पे काम करे, मुद्दा क्या है आपका प्रमुख? सबसे बड़ी बात क्या ना कि जो भी चुनाव लोकसभा चुनाव है इसमें राज्यसभा सांसद महोमाझी भी कभी इस फील्ड में आए नहीं है, उनके पास मैंने सुना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी यहाँ की सरकार है, अभी सारा पावर उनके पास है। लोकसभा चुनाव के आधार पर बताइए कि क्या मुद्दा होना चाहिए और अभी तक किन किन मुद्दों पे काम हो गया? प्रीवियस टाइम जब बीजेपी था तो बहुत सारा एमओयू हुआ था, तो बहुत सारी कंपनी ने यहाँ साइन किया था कि यहाँ पर अपनी फैक्ट्री लगाएंगे, ठीक, सरकार बदली वो सब खत्म हो गया, कोई कंपनी आई नहीं, तो युवा नौकरी कहाँ जाएंगे, बाहर जा रहे हैं चाहे छोटे मोटे कंपनी में कर रहे हैं। बीजेपी सरकार आए, जो एमओयू हुआ था, नई नई कंपनियों को झारखंड में लाए, वो कंपनी आए और यहाँ के युवाओं को अच्छी अच्छी जो रोजगार मिले, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी। जय श्री राम के अलावा कुछ है? जय श्री राम के अलावा है? अरे कभी स्वास्थ्य पर सोचिए, कभी शिक्षा पर सोचिए, कभी स्वास्थ्य पर सोचिए, शिक्षा पर सोचिए और महंगाई पर सोचिए। जय श्री राम कहने से नहीं होगा, जय श्री राम कहने से नहीं होगा, जय श्री राम जब तक संस्कार नहीं होगा तब तक हम लोगों की धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। नहीं नहीं, जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक संस्कार नहीं होगा। झारखंड का शिक्षा मंत्री पास हो जाए, अरे अरे भैया मेरे झारखंड की बात कर रहे हैं, देश की वित्त मंत्री कितनी पास है, देश का वित्त मंत्री कितनी पास है, आप झारखंड की शिक्षा मंत्री की बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं। आपका क्या मुद्दा है, आपका क्या क्या मुद्दा रहेगा इस बार? हम लोगों की मुद्दा यही है, इस बार जो सरकार बने वो शिक्षा, स्वास्थ्य,
और रोजगार पर ध्यान दें। आपके अनुसार किसकी सरकार बननी चाहिए इस बार? कांग्रेस की। क्यों कांग्रेस की? क्यों कांग्रेस की क्यों बननी चाहिए? क्यों बनना चाहिए कांग्रेस की सरकार? इसकी इसलिए बनना चाहिए कि कांग्रेस की मैनिफेस्टो देखिए, कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र निकाला उसको देखिए। तो घोषणा ही पत्र है ना, लेकिन नहीं, कांग्रेस जो घोषणा पत्र निकालती है उस पर काम करती है, उस पर काम करती है कांग्रेस, वो काम करती है। ये कोई जुमलेबाजी की सरकार कांग्रेस नहीं चलाती है, कांग्रेस ठोस सरकार चलाती है और ठोस बात बोलती है कांग्रेस। सुनिए भैया, 55 साल में एजुकेशन नहीं आया, 55 साल हॉस्पिटल नहीं आया, 25 साल 75 साल 75 साल में एजुकेशन नहीं आया, 75 साल में देश आज थर्ड नंबर पर नहीं आया। कांग्रेस ये बोलता है कि हम GDP को थर्ड नंबर पर लाएंगे, कार मैन्युफैक्चरिंग में सेकंड नंबर है, बोलता है फर्स्ट नंबर पर लाएंगे। आज हम लोग बनाए तब तो बेच रहा है, अगला कहाँ से बेचता? बेचता कहाँ से? अच्छी बेच रहा है। सुनिए, रेलवे को अडानी बना। सुनिए एक मिनट, किसका औकात है जो देश को खरीद ले बताइए? किसका औकात है जो भारत को खरीद ले? ये है तब तक देश विकसित रहेंगे। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बनाया और बीजेपी बेच रही है उसे, यही लोग बताएंगे ना। 75 साल में मीडिया आप लोग हैं, आप लोग खुद डिबेट करेंगे कि कौन किसने बनाया और कौन खराब किया। मुझे तो नहीं दिख रहा है कि खराब किया मोदी जी, कहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं, देश हित में काम कर रहे हैं, सुरक्षा में काम कर रहे हैं। लेकिन इनका सवाल है, कहीं ना कहीं जो सवाल है बहुत बड़ा सवाल है। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस बनाई और बीजेपी बेच रही है, कहीं ना बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी। बड़ी बात है मैम, तो आप लोग से छुपी हुई नहीं ना, आप मीडिया के हैं, ऐसा तो नहीं है कि मीडिया से छुपा हुआ है। देश कहाँ बिका है? कहाँ बिका है देश? देश बिका तो सुनिए आपकी बार सुनिए ना, अरे सुनिए तो सुन तो लीजिए। आपकी बार जो 400 पार बोल रहे हैं, बताइए मेरा घर में 400 किलो RDS कैसे घुसा? कांग्रेसियों ने भारत की भूमि को फिर दे दिया। श्रीलंका का किंग आइलैंड कौन इसीलिए 400 किलो RDS जो है, बताइए घूमते रह गया भारत में, भारत में लगे भूमि में हर बार हर एक दिन जो बम धमाके होते थे, कौन से RDS से होते थे? अरे RDS कहाँ से आता था? अरे बात होगी, अरे भाई पनीर सवाल में RDS का हिसाब लीजिए। जो कांग्रेस पार्टी आपकी बार 400 अब नहीं सकते हैं। अरे सुनिए जब नहीं सकते हैं ना तो मेरा, अरे नहीं सुनिए ना, जब नहीं सकते हैं ना तो मेरा प्रभु श्री राम का सहारा लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के। देख सकते हैं 2024 के तहत इस बार किसकी सरकार के मुहिम के तहत हम लोगों के बीच पहुंचे और सभी ने अपने अपने मुद्दों से अवगत कराया। किसी का कहना है कि महंगाई काफी है और किसी का कहना है कि बेरोजगारी की कमी है, वही कुछ लोगों का ये भी कहना है कि देश में कोई भी महंगाई नहीं बढ़ी है, इस महंगाई से हम संतुष्ट है। और जो भाजपा की सरकार आई है वो हमारे लिए रोजगार लेकर आई है और साथ ही महंगाई को भी कम की। और हम ये भी कह सकते हैं कि इनका कहना है कि हर महीना गरीबों को भाजपा की सरकार राशन बांट रही है, सिलेंडर दे रही है, भाजपा की ओर से किसी भी तरह की कोई भी, हम ये कह सकते हैं कि महंगाई नहीं बढ़ाई गई है। वही कुछ लोगों का ये कहना है कि रांची में जो सांसद है, लोकसभा सांसद है संजय से, वो लापता है, वो बस जब भी चुनाव होता है तो वो वोट मांगने आते हैं लेकिन उनकी ओर से कोई भी काम नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं दो पक्षों में यहाँ पर लोग बटे हुए हैं। किसी का कहना है कि वो कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट देंगे और किसी का कहना है कि वो भाजपा के प्रत्याशी को वोट देंगे। हालांकि ये तो समय बताएगा कि आखिरकार इस बार झारखंड में 14 लोकसभा सीटों में किसकी जीत हासिल होती है। और या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि देश में इस बार किसकी सरकार आती है, भाजपा की सरकार आती है या फिर कांग्रेस की सरकार आती है। अपनी वीडियो जल्द संतोष के साथ महक मिश्रा।